दोस्तों अभी के टाइम पे एक योजना चल रही है जिस योजना का नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो दोस्तों आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें, तभी आप अच्छे से इसमें समझ पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है क्या है। तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भारत सरकार द्वारा चालू करी गई एक ऐसी स्कीम है जिसके द्वारा जो शिल्पकार होते हैं, सुनार होते हैं, धोबी होते हैं, कारीगर होते हैं, बुनकर होते हैं, लोहार होते हैं, कपड़ा धोने वाले होते हैं, इन सब के लिए ये स्कीम चालू करी गई है। अब बात करते हैं ये योजना कितने लोगों को लाभ पहुंचाएगी। तो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत 30 लाख लोगों को जो है रजिस्ट्रेशन कराने हैं। बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत कितना लोन मिलेगा, यानी कि जो ऋण है वो कितना मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक का लोन जो है वो भारत सरकार आपको देने वाली है, और साथ ही आपको इसमें सब्सिडी भी देगी। इस योजना के अंतर्गत जो है, जो आप जो लोन लोगे उस पर ब्याज कितना लगेगा, तो इस योजना के अंतर्गत जो आप लोन लोगे उस पर आपको 5% का सालाना ब्याज जो है भरना पड़ेगा। शुरुआत कब हुई थी, तो इस योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती वाले दिन भारत सरकार द्वारा ये योजना लॉन्च की गई थी। करते हैं इस योजना में जो है आवेदन आपको कैसे करना है। तो इस योजना का आवेदन आप अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाके बहुत ही आसानी से करा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 13,000 करोड़ रुपए का जो है भारत सरकार ने बजट मंजूर किया है। कहते हैं इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकते हैं, तो इस योजना का लाभ कुम्हार, सुनार, मोची, हथौड़ा बनाने वाले, लोहार, शिल्पकार, बुनकर, ये सब जो है इस तरीके के जो लोग होते हैं छोटे छोटे, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही इसमें गवर्नमेंट आपको 15,000 रुपये तक का टूल किट भी आपको भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, और उसके अलावा जो है आपको इसमें एक स्किल ट्रेनिंग का भी भारत सरकार द्वारा प्रोग्राम रखा गया है, वो भी आपको दी जाएगी, और उसका सर्टिफिकेट भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी आपको इसमें दिया जाएगा। आपके मन में एक सवाल और है, यहाँ पे इस योजना का लाभ जो है शहरी क्षेत्र में मिलेगा या ग्रामीण, तो इस योजना का लाभ जो है दोनों ही क्षेत्र में आपको मिलने वाला है। ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं तब भी आपको इसका लाभ मिलेगा, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तब भी आपको इस योजना का लाभ जो है मिलने वाला है। अब आपके मन में एक और सवाल यहाँ पे रहता है कि इस योजना की जो है आखिरी तारीख, जो लास्ट डेट जिसको बोलते हैं, वो कब है। तो अभी कोई भी तारीख अभी इसकी निर्धारित नहीं की गई है। हाँ ये बात जरूर है कि इसमें 30 लाख रजिस्ट्रेशन होने, जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन पूरे होंगे उसी दिन ये योजना बंद कर दी जाए। तो अगर आप भी कुछ इस तरीके का कोई भी कार्य करते हैं और आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बहुत जल्दी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आपको इसका ऑनलाइन आवेदन करते हैं। तो आशा करता हूं जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक कर दें, साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी सबसे पहले मिलती है।